हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा। आई स्टडी ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे न्यूटन वाले, न्यूटन रिंग, जिसमें अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था परावर्तित किरणों में न्यूटन वाले, ओके। उसके बाद देखा था अपन ने पारगमित किरणों में न्यूटन वाले, ठीक है। देन आप तो अपना थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट अपने पास था न्यूटन वाले की सहायता से किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, ओके। अब लिखेंगे अपन चौथा पॉइंट। देखो मेन अपना हेडिंग क्या था, न्यूटन वाले। इसमें अपन ने तीन पॉइंट पढ़ लिए, अब चौथा पॉइंट अपने पास है, वो अपने पास है न्यूटन वाले की सहायता से। न्यूटन वलय की सहायता से किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ओके। तो बेसिकली अपने पास न्यूटन वाले टॉपिक है, उसमें चार पॉइंट है। दो तो अपने पास क्या है, इसके अनुप्रयोग है, इसके एप्लीकेशन है। कौन कौन से आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन वाले की सहायता से किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, ओके। या फिर आ सकता है न्यूटन वाले की सहायता से किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दो तो पॉइंट अपने पास ये होते हैं, ओके। दो अपने पास पॉइंट है परावर्तित किरणों में अपने पास न्यूटन वलय किस तरह बनती है, एंड अपने पास पारगमित किरणों में न्यूटन वलय किस तरह बनती है। पूरे के पूरे चार पॉइंट अपने पास है न्यूटन वलय के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब देखो बेसिकली अपने पास क्या होता है, सिंपल एक प्लेन ग्लास की प्लेट है, इस तरह से प्लेन क्या, ग्लास की प्लेट है। इसके ऊपर एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, इस तरह से क्या रख दिया, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ओके। एक अपने पास लाइट है, वो एज सोर्स से क्या होती है, इमिट होती है। एंड यहाँ पर एक लगाते हैं प्लेट जो कि 45 डिग्री से इंक्लाइंड है। ये अपने पास क्या, एक प्लेट है जो ग्लास की बनी हुई है, ठीक है। ये ग्लास की बनी हुई है, जो लाइट अपने पास हो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। देन आपका क्या होगा, इनका इसका रिफ्लेक्शन होगा, एंड ये लाइट यहाँ पर आएगी। ये अपने पास क्या है, एक फिल्म है, इसको बोलते हैं वेट से फिल्म, मीन्स फनाकार पतली फिल्म बोलते हैं, ओके। इसके ऊपर लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है। देन इसके दो पृष्ठ, एक तो ये पृष्ठ है, इससे क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी एंड ट्रांसमिट होगी, ठीक है। देन आप अपने पास यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप है, तो उसके अंदर जब देखते हैं तो यहाँ पर अपने को एक इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ये अपने पास है परावर्तित किरणों के कारण इंटरफेरेंस, ओके। जब बात करते हैं पारगमित की, तो यहाँ पर अगर अपन माइक्रोस्कोप लगाते हैं, देन आफ्टर यहाँ पर अपने को क्या दिखता है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है पारगमित किरणों के कारण, ओके। अब ध्यान से देखिए, अब अगर अपने पास क्या है, इस तरह से एक प्लेन ग्लास की प्लेट है, इसके ऊपर एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ये अपने पास है एयर। अगर मैं यहाँ पर कोई द्रव रख दूँ, किसी द्रव की बूंदे रख दूँ, तो मेरे पास क्या होगा, उस द्रव का अपवर्तनांक होगा अपने पास म्यू। इस म्यू का मान अपने को निकालना है, तो वो अपन कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखो तो बेसिकली अपने पास यहाँ पर क्या है, एक प्लेन समतल कांच की प्लेट है, ठीक है। जब एक प्लेन समतल कांच की प्लेट पर समतलोतल लेंस रखते हैं, तब
प्लेन कॉन्वेक्स लेंस तथा समतल कांच की प्लेट के मध्य बनती है अपने पास एक वायु की फिल्म। क्या बनती है? वायु की फिल्म बनती है। तब समतोता लेंस तथा समतल कांच की प्लेट के मध्य वायु की फिल्म बनती है। क्या बनती है? वायु की एक फिल्म बनती है। और वायु का अपने पास अपवर्तनांक क्या होता है? वन होता है। वायु के लिए अपवर्तनांक ये अपने पास वन होता है। अब देखो, अपन लेंगे एक एन वी और एन प्लस पी वी दीप्त फ्रिंज ले सकते हैं, दीप्त वलय ले सकते हैं या फिर अदीप्त भी ले सकते हैं। दोनों केस में अपने पास सेम रिजल्ट आएगा। इसमें दीप्त भी ले सकते हैं एंड अदीप्त भी ले सकते हैं। ठीक है, अपन लेते हैं दीप्त। माना एन तथा एन प्लस पी वी दीप्त वलय का व्यास अपने पास क्या है? डी एन और डी एन प्लस पी अपने पास है। ओके, का व्यास डी एन तथा डी एन प्लस पी है। तब इसे पहले जो अपने पॉइंट पढ़ा था उसमें अपने क्या देखा था कि डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर ये किसके बराबर था? 4p लेमडा आर अपॉन म्यू। इक्वेशन फर्स्ट ये पढ़ा था अपन ने इससे पहले वाले पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा? वायु के लिए म्यू क्या होता है? वन होता है। तो अपने पास dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस होगा dn स्क्वायर के, इक्वल 4p लेमडा आर। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब अगर जो अपने पास फिल्म बनी है वहां पर मैं एक द्रव रख दूं या द्रव की बूंदे रख दूं जिसका अपने पास इंडेक्स क्या है? म्यू है। ओके, इस केस में अपने पास जो वलय बनेगी उनका व्यास माना डी एन डेस एंड डी एन प्लस पी डेस अपने पास है। ठीक है, देखो आगे, यदि वायु फिल्म की जगह या वायु फिल्म के स्थान पर म्यू अपवर्तनांक का द्रव्य रख दे, म्यू इंडेक्स का द्रव्य रख दे, तब द्रव्य फिल्म के कारण बनी दीप्त बनी एन वी तथा एन प्लस पी वी दीप्त वलय का व्यास क्या है? ये अपन मानेंगे डी एन डेस वह डी एन प्लस पी डी एस मानेंगे। ओके, ये बराबर होगा 4p लेमडा आर अपॉन म्यू के। म्यू अपने पास क्या है? उस द्रव का अपवर्तनांक है। म्यू क्या है? उस द्रव का अपवर्तनांक अपने पास है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे? समीकरण दो में तीन का भाग देंगे। समीकरण दो अपॉन तीन, तो जब भाग देंगे अपन तो अपने पास होगा डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन
डी एन प्लस पी डेस स्क्वायर माइनस डी एन डेस स्क्वायर इक्वल अपने पास क्या होगा, 4p लेमडा आर अपॉन 4p लेमडा आर अपॉन म्यू। अब यहाँ पर अपने पास ये कैंसिल, देन आफ्टर म्यू ऊपर आएगा, ओके तो म्यू अपने पास क्या होगा फिर, अपॉन इक्वेशन नंबर अपने पास है फोर्थ। ये अपने पास फॉर्मूला है इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर अपने पास कोई पारदर्शी द्रव है उसका अपने को निकालना इंडेक्स का मान, तो अपन कैसे निकालेंगे, अपन इस तरह निकालेंगे, अपने पास क्या होगा ये वैल्यूज रहेगी, तो यहाँ से अपन म्यू का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना मेथड है फॉर फाइंड इंडेक्स ऑफ पारदर्शी द्रव माध्यम, ठीक है। तो लिखो इसको, अब देखिए अगर अपने पास एक प्लेन ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर क्या प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, अगर यहाँ पर अपन जो एस सोर्स है ये अपने पास क्या है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, मीन्स इससे बस ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, एक फिक्स फ्रिक्वेंसी की क्या होती है लाइट इमिट होती है, एक फिक्स फ्रिक्वेंसी की क्या होती है लाइट इमिट होती है। बट अगर यहाँ पर अपन क्या करें एक श्वेत प्रकाश लें, एक वाइट लाइट लें, जब वाइट लाइट लेते हैं इस केस में क्या होगा, देखो ये अपने पास क्या होता है सात रंगों से मिलकर बननी होती है विबग्योर, मीन्स इसमें सात प्रकार की वेवलेंथ की लाइट होती है, ठीक है। देखो जब ये पड़ती है किसी प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर, देन आफ्टर अपने को किस तरह का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा उसकी बात करते हैं। देखो अगर अपने पास एम का मान क्या हो कम हो, उस केस में अपने को रंगीन वलय दिखाई देगी, अगर क्या हो एन का मान अपने पास कम हो, अगर एन का मान ज़्यादा हो जाए उस केस में क्या होगा, उस केस में अपने को वलय सही से दिखाई नहीं देगी, वलय अपने को सही से दिखाई नहीं देगी, ठीक है। आगे देखिए तो जब अपन श्वेत प्रकाश का यूज करते हैं उस केस में अपने को इस तरह का इंटरफेरेंस मिलता है, लिखो इसको। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट है, ये अपना न्यूटन वाले कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट अपना पॉइंट है माइकलसन व्यतिकरण मापी। देखो ये अपने पास क्या होता है, अपना न्यूटन वाले कंप्लीट हो गया है, ये अपना नया टॉपिक है माइकलसन व्यतिकरण मापी। ये अपने पास क्या होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये अपने पास क्या होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अपन क्या करते हैं जिसकी सहायता से अपन किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं एंड अपन फिल्म की मोटाई निकाल सकते हैं इसकी सहायता, एंड अदर भी इसके यूजेज हैं, ओके। ये अपने पास क्या होता है बेसिकली एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से अपन व्यतिकरण के फिनोमेना को देखते हैं, मीन्स इंटरफेरेंस के फिनोमेना को अपन देख सकते हैं इजीली,
ओके, बेसिकली अपने पास व्यतिकरणमापी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, इंटरफेरेंस के फिनोमेना को इजीली देख सकते हैं। ओके, इसकी सहायता से अपन पता कर सकते हैं किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ अपने पास क्या है एंड अपने पास किसी फिल्म की थिकनेस अपने पास क्या है, दोनों चीज़ें अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से व्यतिकरण की घटना को अपन देख सकते हैं। ओके, इसकी सहायता से व्यतिकरण की घटना दिखाई देती है। ओके, व्यतिकरण मापी की सहायता से किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के अपन पता लगा सकते हैं उसकी तरंग दैर्ध्य अपने पास कितनी है। ओके, किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत तरंग दैर्ध्य तथा पतली फिल्म की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लिखो इसको। अब देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन एंड इसका वर्किंग अपने पास किस तरह होगा। तो नेक्स्ट अपने पास है इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें बेसिकली अपने पास क्या होता है, एक सोर्स होता है, एक एयर सोर्स होता है। ये क्या करता है, ये अपने पास एक एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। ओके, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ये लाइट इमिट करता है पर्टिकुलर वेवलेंथ की। ओके, बट ये क्या करता है, सभी दिशाओं में करता है। ये क्या करता है, सभी दिशाओं में करता है। तो अपने को चाहिए एक ही दिशा में लाइट, मीन्स अपने को एक समांतर पुंज चाहिए। ओके, उसके लिए अपन यूज करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस का, इसका यूज करेंगे। ये क्या करेगा, इन सभी लाइट को एक ही डायरेक्शन में लेकर आएगा। क्या करेगा, सभी लाइट को एक ही डायरेक्शन में, मीन समांतर पुंज में लेकर आएगा। ओके, देखो, इस तरह से अब देखिए यहां पर अपने पास क्या होगा, अपन लेंगे एक प्लेट। ये प्लेट 45 डिग्री के कोण के ऊपर झुकी हुई है, इस तरह से। ठीक है, एक दूसरी प्लेट भी लेंगे, सेम ऐसे ये भी झुकी हुई है। यहां पर लेंगे एक मिरर, इस तरह से। और यहां पर होगा अपने पास टेलीस्कोप, दूरदर्शी। दूरदर्शी, ठीक है। मन
वन सेकेंड, इस तरह से। अब देखिए आगे, यहां पर अपने पास एक और मिरर है, अब देखो ध्यान से, अपने पास क्या एक एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, इससे क्या होगा, इससे अपने पास लाइट इमिट होगी, ओके। और वो लाइट अपने पास क्या होगी, सभी डायरेक्शन में जाएगी, बट आफ्टर प्लेस कॉन्वेक्स लेंस, क्या होगा अपने पास, ये लाइट को इस तरह पैरेलल क्या करेगा, कर देगा, मतलब अपने को यहाँ पर एक समांतर पुंज प्राप्त होगा, ओके। तो इसको अपन डालेंगे, ये अपने पास क्या है, पी है, प्लेट अपने पास है ग्लास की, ठीक है। इसके एक साइड करते हैं अपन इसको पार्शियली सिल्वर्ड, देखो इस तरह, इसको एक साइड यहाँ पर क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर अपने पास क्या होगा, फिर लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, ये अपने पास क्या होगा, लाइट यहाँ पर इसके ऊपर इंसिडेंट होगी। अब जो लाइट अपने पास है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, यहाँ पर क्या होगा, लाइट दो पार्ट में डिवाइड होगी, ओके। आधे पार्ट का अपने पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन, आधे का अपने पास क्या होगा, रिफ्रेक्शन, मीन्स आधे पार्ट का अपने पास होगा परावर्तन एंड आधे का अपने पास क्या होगा, अपवर्तन होगा, ओके। तो लाइट अपनी क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, हाफ हाफ तरह, ओके। हाफ पार्ट क्या करेगा, इस तरह इसका रिफ्लेक्ट होगा, ओके, देखो इस तरह से। वन सेकेंड, हाफ पार्ट अपने पास क्या होगा, इसका रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह जाएगा, ठीक है। हाफ पार्ट होगा इसका रिफ्रेक्ट, ठीक है, देखो ध्यान से, इनको ऐसे बनाएंगे, इनको इस तरह झुकाते हैं ताकि अपन इसको अच्छे से विजुअलाइज कर सके, ओके। अब देखो ध्यान से, ये लाइट अपने पास है, ये लाइट यहाँ पर क्या होगी, इसका आधा पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर मिरर पर जाएगा, इस तरह, ठीक है। आधा पार्ट क्या होगा, इसका रिफ्लेक्ट होगा, मीन्स उसका होगा अपवर्तन। अब देखो, ये अपने पास क्या एयर है, ये अपने पास क्या कोई डेंसर मीडियम है, ओके। तो जब अपने पास लाइट क्या करती है, एयर से डेंसर में आती है, उस केस में क्या होगा, अभिलंब से ये झुक जाती है, इस तरह से,
ठीक है, देन आफ्टर अपने पास क्या है, ये डेंसर है और ये अपने पास एयर है, ओके। तो जब लाइट अपनी सघन से विरल में आती है, उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर लाइट अभिलंब से दूर हटती है, ओके। मिस लाइट इस तरह आएगी, ये भी अपने पास क्या, सेम एक ग्लास की प्लेट है, बट यहाँ पर अपन ने इसको पार्शियली सिल्वर्ड नहीं किया है, ठीक है। देन आफ्टर अपने पास क्या होगा, इसका ये लाइट अपने पास क्या होगी, यहाँ पर अपने पास एयर है और यहाँ पर अपने पास क्या है, डेंसर मीडियम है, ओके। तो जब लाइट सघन से, सॉरी विरल से सघन में आती है, उस केस में अभिलंब की तरफ झुक जाती है इस तरह, एंड देन आफ्टर लाइट इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है। ध्यान से देखिए, अपने पास यहाँ से लाइट आएगी, लाइट आएगी यहाँ से, वो लाइट इस पी प्लेट के ऊपर क्या होगी, इंसिडेंट होगी परपेंडिकुली, क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके ऊपर इंसिडेंट होगी। इसका आधा पार्ट अपने पास क्या होगा, रिफ्लेक्ट, एंड आधा पार्ट होगा इसका रिफ्रेक्ट, ओके। इसको विभाजक प्लेट भी बोलते हैं। ये क्या करती है, लाइट को दो पार्ट में तोड़ती है, इसको विभाजक प्लेट भी बोलते हैं। लाइट को क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। आगे देखिए, आधा पार्ट इसका परावर्तित हुआ है। अब जो अपने पास लाइट, यहाँ पर मिरर अपने पास कौन सा है, ये अपने पास है M1, ये अपने पास M2 है, इसके ऊपर क्या होगी, आपतित होगी। देन आपतित क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये जो अपने पास मिरर है, ये अपने पास क्या है, हाईली अपने पास क्या है, पॉलिश किए हुए हैं। देखो एग्जांपल देती हूँ, अपने पास एक मिरर है, एक अपने पास ये मिरर है, ओके। इसको मैंने क्या किया, एक साइड से हाईली पॉलिश कर दिया, यहाँ पर पॉलिश कर दी। तो अगर यहाँ पर लाइट एक इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, इसका सीधा परावर्तन नहीं होगा, इसका अपवर्तन नहीं होगा, इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। अगर अपने पास लाइट क्या करें, किसी पार्शियली पॉलिश सरफेस पर आती है, इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका कुछ पार्ट परावर्तित भी होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, अपवर्तित भी होगा, ओके। अब जो अपने पी प्लेट है, इसको मैंने क्या किया, एक साइड से पार्शियली, यहाँ से क्या किया, पार्शियली पॉलिश कर दिया। देन आफ्टर जो लाइट अपने पास है, वो यहाँ पर क्या होगी, इंसिडेंट, उसका कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट रिफ्रेक्ट होगा, ओके, इस तरह से। अब जो अपने पास ये प्लेट है, इसको बोलते हैं प्रतिकारी प्लेट, प्रतिकारी प्लेट। अब ध्यान से देखिए, इस प्लेट का अपने पास यूज क्या है, इस प्लेट का यूज अपने पास क्या है, इसको यहाँ पर क्यों यूज किया, इसको यूज किया था अपने लाइट को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए। इसका यूज क्यों करेंगे, इसका अपन यूज करेंगे कि ताकि अपने पास जो लाइट है वो इक्वल ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल करें, क्या करें, इक्वल ऑप्टिकल पाथ। ये अपने पास क्या होता है, देखो ये जो लाइट अपने पास है, यहाँ पर जाएगी वापस आएगी, ठीक है, एंड ये लाइट अपने पास क्या करी, यहाँ पर आएगी मिरर के ऊपर वापस, इस तरह अपना पाथ रिट्रेस करेगी, ओके। जब अपने पास पाथ लाइट ट्रेवल करेगी तो इनका पाथ बराबर होने के लिए अपने पास, मीन्स ऑप्टिकल पाथ इक्वल करने के लिए अपने यूज किया सी प्लेट का, ऑप्टिकल पाथ इक्वल करने के लिए अपने यूज किया है सी प्लेट को, ओके। अब जो अपने पास लाइट है, ये लाइट इस पी प्लेट के ऊपर आती है, तो क्या होगा, एक बार इसने इसको ट्रेवल किया, ओके, उसके बाद लाइट इस तरह ऊपर गई है, वापस आएगी यहां पर, ठीक है। तो ये लाइट वापस क्या करती है, ये जो अपने प्लेट है इसको, इसकी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, मीन्स इस लाइट ने दो बार डिस्टेंस ट्रेवल की है, मीन्स दो बार प्लेट को ट्रेवल किया है, ओके। बट जो अपनी ये वाली लाइट है, ये वाली, इसने क्या किया, इसने बस एक बार ही पी प्लेट को ट्रेवल किया है, मीन्स ऑप्टिकल पाथ इक्वल नहीं रहा। इसके लिए अपन ने फिर यहां पर इसको यूज किया, क्या किया है, इसका यूज किया है, किसका, प्रतिकारी प्लेट का। आगे देखिए, अब जो अपनी लाइट है यहां से वापस आएगी रिफ्लेक्ट होकर, एंड फिर यहां आएगी, ठीक है। ये जो लाइट अपने पास, ये भी वापस रिफ्लेक्ट होगी, ये भी लाइट अपने पास यहाँ आएगी,
यहाँ पर, एंड इनका होगा सुपर इम्पोज, इनका अपने पास क्या होगा, सुपर इम्पोज होगा देन आफ्टर अपने को दूरदर्शी के द्वारा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? दूरदर्शी के द्वारा अपने को एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपने पास एम टू मिरर है, ये अपने पास क्या एम वन मिरर है, ये परपेंडिकुलरली रखी हुई है। देखो ये अपने पास ऐसे है और ये अपने पास इस तरह है, ये अपने पास क्या, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। अब जो अपने पास मिरर M2 है, इसका अपने को आकृति दिखाई देता है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। ये जो अपने पास मिरर है M2, ये अपने को यहाँ पर दिखाई देता है, इसका इमेज दिखाई देता है, इसको बोला अपने M2 डेज। जो अपने पास M1 मिरर है, इसका इमेज अपने को यहाँ पर दिखाई देता है M1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर यह माना गया कि जो अपने पास दो मिरर है M1 और M2 डेज, इनके मध्य बनती है एक वायु की फिल्म, इस फिल्म की वजह से क्या होता है, अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। किसकी वजह से? माना गया ये कि यहाँ पर बनती है एक वायु की फिल्म, ओके, देन आफ्टर अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, माइकलसन व्यतिक्रम मापी है। इसका डायग्राम देखते हैं, देखो ध्यान से, अपने लेव के अंदर ही इस तरह का होता है, माइकल्स व्यतिक्रम मापी जो होता है लेव्स में इस तरह का होता है। देखो ये अपने पास क्या है, मिरर है, ठीक है, ये अपने पास क्या, एक सोर्स है जिसे लाइट इमिट हो रही है, ये सोर्स है, ये मिरर है दोनों, ओके, और ये अपने पास क्या है, पी और सी प्लेट है, ये अपने पास क्या है, पी प्लेट सी प्लेट है, प्लेट है दोनों, ये अपने पास मिरर है, ये अपने पास क्या है, टेलीस्कोप है जिसे अपन देख रहे हैं, ये भी मिरर और ये भी अपने पास क्या है, मिरर है। ठीक है, दोनों मिरर है अपने पास, ये अपने पास है टेलीस्कोप और ये अपने पास के पी और सी प्लेट है और ये अपने पास सोर्स है। तो अपने लेब के अंदर जो अपने पास माइकलसन व्यतिक्रम मापी होता है वो अपने को इस तरह का दिखाई देता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, आइए देखिए, इसको साइड में करते हैं थोड़ा। नेक्स्ट ये देखो, ये भी अपने पास क्या है, मिरर है, ओके, और ये अपने पास क्या है, टेलीस्कोप है, यहाँ से अपन देख रहे हैं इंटरफेरेंस को, ये अपने पास सोर्सेज है। ठीक है, इस तरह का अपने पास क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये अपने पास, अपन इसको उल्टा बनाया है, वन सेकेंड, अपन ने क्या बनाया, अपन ने यहाँ पर दो प्लेट बनाई है, ओके, इसने उसको थोड़ा उल्टा कर दिया, यहाँ पर दो प्लेट कर दी, देखो ध्यान से, बट बाकी सारा फिनोमिना सेम है, यहाँ से लाइट, अब ध्यान से देखना, लाइट आ रही है सोर्स से, वो लाइट यहाँ पर क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, देन आफ्टर इसका ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, लाइट क्या हो रही है अपने पास, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, कुछ पार्ट क्या हो रहा है इसका, रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट रिफ्रेक्ट हो रहा है, देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गई लाइट, फिर वापस क्या कर रही है, लाइट वापस आई है, यहाँ से टकराकर लाइट वापस आई है। ठीक है, एंड देन आफ्टर इनका यहाँ पर हुआ है सुपर इम्पोज, ध्यान से देखना, यहाँ पर इनका होगा सुपर इम्पोज, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों लाइटों का सुपर इम्पोज हुआ है, दोनों एक साथ क्या कर रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं, इनका होगा अध्यारोपण, देन आफ्टर अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो
इस तरह से। यानी ये अपने पास क्या है, टेलीस्कोप है जहाँ से अपने को दिखाई देता है ये इंटरफेरेंस पैटर्न। इस तरह से, ठीक है। ये देखो लैब में अपने पास इस तरह का होता है, ठीक है। ये देखो लाइट, एक लाइट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक लाइट अपने पास हो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, देन आफ्टर ये अपने पास मिरर है, यहाँ पर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, देख वापस आ रही है, वापस आ रही है, यहाँ पर इनका सुपर इम्पोज होकर ये यहाँ पर टेलीस्कोप के ऊपर अपने को दिखाई देगी, यहाँ पर होगा इनका इंटरफेरेंस। देखो ध्यान से, यहाँ पर इनका सुपर इम्पोज अध्यारोपण, यानी यहाँ पर अपने को एक पैटर्न दिखाई देगा, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। ये अपने पास होता है माइकसन व्यतिक्रमापी, इस तरह से, ठीक है। अब इसकी थ्योरी लिखते हैं, एस प्रकाश स्रोत है जिससे निश्चित तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण क्या होती है, उत्सर्जित होती है, जिससे निश्चित तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण इमिट होती है। इन्हें समांतर करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक लेंस का यूज करेंगे, किरणों का समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए अपन लेते हैं एक लेंस को। लेंस का उपयोग करते हैं, ओके। अब जो अपने प्रकाश की किरण है वो क्या होगी, पी प्लेट के ऊपर वो आपतित होगी, ठीक है। देखो समांतर प्रकाश किरण विभाजक प्लेट पी पर आपतित होती है, इस प्लेट को अपन ने क्या किया, दूसरी साइड से पॉलिश किया है सिल्वर का, दूसरी तरफ पार्शियली पॉलिश की गई, विभाजक प्लेट
आपतित प्रकाश किरण को क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इसका आयाम को दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, आपतित किरण के आधे भाग का करता है परावर्तन, आधे भाग का परावर्तित तथा शेष भाग अपवर्तित करता है। ओके, अपवर्तित भाग क्या होगा, सी प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होगा। सी अपने पास क्या है, एक प्रतिकारी प्लेट है। ओके, अपवर्तित भाग प्लेट सी पर आपतित होगा। जिसे बोलते हैं प्रतिकारी प्लेट, क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे अपन एक प्रतिकारी प्लेट। ओके, जिसे प्रतिकारी प्लेट कहते हैं। M1 तथा M2 क्या लेंगे, दो एक दूसरे के लंबवत दर्पण लेते हैं। क्या लेंगे, दर्पण लेंगे। ठीक है, प्रकाश किरण पूर्ण परावर्तक या पूर्ण आपतित होकर क्या होगा, वापस परावर्तित होगी। देखो, जो अपने पास दर्पण है वो अपने पास क्या है, फुली रिफ्लेक्टर है, ये पूरी की पूरी लाइट को वापस क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, पूर्ण परावर्तित होती है। तथा समान प्रकाशी पथ में समान ऑप्टिकल पाथ, समान प्रकाशी पथ ये क्या करता है, इक्वल ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल करता है। ओके, समान क्या करता है, प्रकाश इसका पथ होता है। फॉर एग्जांपल अपने पास ये क्या है, लाइट है, ये क्या करेंगे, दोनों समान पाथ ट्रेवल करेंगे। एंड इस टाइम पर यहाँ पर क्या होगा, एक ही टाइम पर दोनों यहाँ पर आ जाएगी, ये लाइट भी आएगी और ये लाइट भी यहाँ से वापस, दोनों समान टाइम पर यहाँ पर आकर क्या होगा, इनका सुपर इम्पोज होगा। ओके, विभाजक प्लेट यहाँ पर क्या होगा, अध्यारोपण होगा। तथा
दूरदर्शी की सहायता से अपने को एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता रहता है दूरदर्शी की सहायता से। व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देता है, व्यतिकरण प्रतिरूप अपने को दिखाई देता है। इस तरह से ठीक है, इस तरह से अपने को मिलता है एक इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये माना गया था कि जो अपने पास M2 है इसकी अपने को बिंब दिखाई प्रतिबिंब दिखाई देगा यहाँ पर, ओके। देन आफ्टर इसको इनके मध्य का जो अपने पास भाग है इसको एक एयर फिल्म बोला गया, ओके। तो लाइट अपने पास वो यहाँ से क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी एंड यहाँ पर क्या होगा इसका इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया माइकलसन व्यतिक्रमापी, ओके। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा था न्यूटन वले और इसके अंदर पढ़ा था अपन ने कि न्यूटन वले की सहायता से किसी पारदर्शी माध्यम का इंडेक्स निकालना, उसके बाद पढ़ा है अपन ने माइकलसन व्यतिक्रमापी, ओके। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। इसका अपने पास यूजेज क्या होते हैं, इसके अंदर अपने पास किस तरह की फ्रिंजें बनती है, इन सभी को पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।